दोस्तों वंदे मातरम ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं हमारे पास कि उन केसेस में क्या करें जिनमें मैच मेकिंग नहीं होता है कंप्यूटराइज मैच मेकिंग तो होता ही नहीं है वैदिक मैच मेकिंग भी नहीं होता है और ऐसे अक्सर केस होते हैं लव मैरिज के क्योंकि जब अरेंज मैरिज के ऐसे केस होते हैं तो जैसे ही रिश्ता नहीं मिलता है लोग आगे बढ़ जाते हैं किसी और रिश्ते को मैच करने की कोशिश करते हैं लेकिन जब दो लोग आपस में प्यार में हो और वो भी शिद्दत वाला प्यार जहाँ पर वो सुना भी होगा आपने मूवीज़ में भी जीने मरने की कस्में खा लेते हैं लोग सात जन्मों की बात हो जाती है सात समुंदर पार तो उस केस में क्या किया जाए अक्सर ऐसा मैंने सुना है बहुत और शास्त्रों में भी लिखा है कि जब कपल्स की कुंडलियाँ मैच नहीं होती हैं गुण भी बारह के नीचे चले जाते हैं मांगलिक दोष भी आ जाता है भुकुट दोष भी आ जाता है जिसमें बहुत सारे और भी दोष आ जाते हैं विषकन्याय दोष भी आ जाता है तो उस केस में ऐसे कहा जाता है कि अगर कपल की शादी हो जाती है तो उनमें से किसी एक कपल की मृत्यु हो जाएगी किसी कोई एक जातक इमिजिएट शादी के एक या दो वर्ष के मध्य ही अकाल मृत्यु का भय बना रहता है और अक्सर ज्योतिषी लोग ऐसा कहते भी हैं बताते भी हैं और प्यार करने वालों का दिल भी टूट जाता है अब यहाँ पे क्वेश्चन भी आता है कि प्यार करने वाले उन्हें रोक तो नहीं सकते आप अगर आप ज्योतिष के माध्यम से ये बताना चाहते हो कि भाई किसी एक की मृत्यु हो जाएगी तो दोस्तों अगर वो शादी नहीं भी करेंगे तो भी मृत्यु हो जाएगी बिकॉज़ वो एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाएंगे देखिए ये बात अलग है कि शास्त्रों में गंधर्व विवाह का भी विधान है लेकिन मैं उसमें भी नहीं जाना चाहता मैं आज आप लोगों को ज्योतिष के माध्यम से ही वैदिक ज्योतिष में ऐसा हम क्या कर सकते हैं कि कुंडलियों का मिलान बिल्कुल भी ना होने के बावजूद भी शादी भी होगी और बेहतरीन चलेगी आगे फैमिली भी प्लान कर सकते हैं मींस शादी के बाद बच्चे भी होंगे वेल्थ भी होगी हेल्थ पीस प्रोस्पेरिटी हर तरह का सुख भी मिलेगा कपल को तो ऐसा क्या किया जाए दोस्तों मेरा अपना इतने वर्षों का एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट मैं इकतीस बत्तीस साल का मेरा एक्सपीरियंस हो गया है ज्योतिष में जिसमें मेरे गुरुजी श्री बिपिन कपूर उन्हीं से ही मैंने ये एक्सपीरियंस गेन किया है कि जब रिश्ते नहीं होते तो उससे में क्या किया जाए अक्सर जब ऐसे केसेस में तो बिल्कुल मना हो जाती है लेकिन अब इसमें भी देखिए कितने सारे कॉम्बिनेशन आते हैं कि दो तरह के कि एक तो वो कपल जिनकी कुंडलियां प्रॉपर है मींस जिनका डेट ऑफ बर्थ टाइम बर्थ प्लेस जिनकी हम प्रॉपर कुंडली बनाकर चेक कर सकते हैं कि जी हाँ अष्टकूट मिलान नहीं है विश्व करने योग या विश्व पुरुष योग मांगलिक दोष मैच नहीं होता है गुण आठ या बारह के नीचे चले जाते हैं एक तो चलिए ये तो ये फंड पैरामीटर आते हैं इसमें तो बहुत इजी है कि किस तरह से काम किया जाए और किस तरह से आगे सक्सेस की तरफ बढ़ा जाए रिश्तों को भी करवाया जाए शादी भी करवाई जाए लेकिन उस केस में जहां पर आपकी डेट ऑफ बर्थ टाइम ही नहीं है तो ऐसे केसेस में प्रश्न कुंडली का सहारा लिया जा सकता है हस्त रेखा का भी सहारा लिया जा सकता है पॉम रीडिंग मींस हाथों के रीडिंग से भी पता चल जाता है कि आपके प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस क्या बने हैं कैरिट कार्ड भी होता है लेकिन उसमें मैं जाना नहीं चाहता क्योंकि वो थोड़ा सा उसको हम टेक्निकली ले नहीं पाते हैं फंडामेंटल के हिसाब से वैदिक ज्योतिष में तो दोस्तों ये कुछ फंडामेंटल्स है और भी कुछ केस टू केस अगर कोई आपके ऐसे कोई क्वेश्चन होंगे तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स नीचे इसमें आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं हमारी टीम आपको गाइड कर देगी कि आपके लिए कौन सा सोल्यूशन उपलब्ध होगा या कौन सा सॉल्यूशन आपके लिए बेहतर होगा सो so, ऐसे केसेस में अक्सर हम ये करते हैं कि जो भी प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस कमजोर होते हैं जातक की कुंडलियों में जैसे दोनों को सप्तमेश को बल दिया जाता है मान लीजिए गुण मिलते ही नहीं हैं आठ या है बारह के मध्य है सेवन्थ लॉर्ड लग्नेश पंचमेश क्योंकि पांचवें घर से संतान सुख प्रोस्पैरिटी सेकेंड हाउस धन स्थान उनको मैच किया जाता है ट्वेल्थ हाउस शैया सुख मीन्स आपकी सेक्स लाइफ कैसी होगी बिकॉज ऐसे देखिए अगर सेक्स लाइफ कमज़ोर है तो भी आपके रिश्ते नहीं चलेंगे तो सेक्स कंपैटिबिलिटी भी चेक करना बहुत जरूरी है जो कि कुंडली के बाहर में घर से इसके बारे में विचार किया जाएगा टेंथ हाउस से ये भी देखा जाएगा कि मैरिज का करियर कैसा है जैसे करियर होता है जॉब का शादी का भी करियर तो चेक किया जाएगा तो शादी का करियर मीन्स शादी का सुख टेंथ हाउस से और शादी का करियर फोर्थ हाउस से तो इन हाउसेस को स्ट्रेंथन किया जाएगा प्रश्न कुंडली से भी ये पॉसिबल है इसके बावजूद जब ये सारी चीज़ें कर ली जाएंगी तो उसके बाद एक और फंडामेंटल से जिन्हें किया जाता है वो भी मैं बताता हूँ लेकिन इससे पहले दोस्तों मैं कुछ बताना चाहूँगा कि इतने वर्षों में मेरे कुछ ऐसे केसेस भी हैं जिनकी कुंडलियाँ बिल्कुल भी मैच नहीं होती थी अक्सर उन्हें ज्योतिषियों ने यह कह दिया था कि अगर ये रिश्ता होगा तो इनमें से कोई एक विद इन ईयर मतलब दोनों कपल में से किसी एक की अकाल मृत्यु निश्चित है ऐसा एक नहीं बहुत सारे ज्योतिषियों ने दावा किया था ऐसे कुछ पॉलिटिशियंस भी हैं बड़े घराने होते हैं बड़ी फैमिलीज होती हैं जब ऐसे केसेस लव मैरिज वाले आते हैं तो दोस्तों आप सोचिए वो किसी एक ज्योतिषी की सलाह नहीं लेते कम से कम 200-300 ज्योतिषियों के पास ऐसी कुंडलियाँ चली जाती हैं उनके ये उनके लिए कंसल्टेशन फी पे कंसल्टेशन फ़ीस पे करना उनके लिए वो कोई छोटा सा अमाउंट होता है बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता है लेकिन उनके लिए वो मैटर करता है कि रिश्ता अगर हो शादी हो तो वो बहुत बेहतरीन तरीके से चलनी भी चाहिए सोलमनाइज भी होनी चाहिए जो अक्सर नहीं हो पाती हैं सो so ऐसे मेरे पास जब केसेज आते हैं आज भी एक्सपर्ट एडवाइस के लिए लोग मुझे पूछते हैं और बाय चांस कभी कोई ऐसा केस मेरे पास भी दो या तीन वर्ष में फंस जाता है जहाँ पे मुझे भी लगता है कि यहाँ पर एक एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए तो दोस्तों मेरे गुरु श्री बिपिन कपूर मैं उनके पास उस केस को रेफर कर देता हूं आपने देखा होगा इससे पहले भी मैंने एक वीडियो दिया था वैदिक मैच मेकिंग वर्सिस कंप्यूटराइज मैच मेकिंग तो जिन्होंने वो नहीं देखा है क्योंकि इसमें वो, मैं वो बातें कवर नहीं कर सकता बिकॉज बहुत डिटेल हो जाएगा वीडियो तो आप उससे एक वीडियो पहले आप देख लीजिए वो वीडियो आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर इसका आइकन बटन में आपको लिंक भी मिल जाएगा आप उसे ज़रूर देखिए आपके और भी बहुत सारे फंडामेंटल क्लियर होंगे आपके एंड अब मान लीजिए अगर आपका रिश्ता आपका मैच नहीं होता है तो दोस्तों उसके लिए भी समाधान है उसके लिए आप ट्रांजिट बेस्ड मुहूर्त में शादी करवा सकते हैं अब ये ट्रांज़िट बेस्ड मुहूर्त क्या होता है उसके लिए मैं एक अलग आप लोगों को वीडियो दूंगा आप उसमें सुनिएगा ये ऐसा वो मुहूर्त नहीं है कि आप किसी पंडित जी या ज्योतिषी के पास गए आपने कहा कि हमें शादी करनी है कोई अच्छा सा मुहूर्त निकाली है ज्योतिषी जी ने एक पंचांग निकाला और जो बने बनाए मुहूर्त होते हैं जिसमें आपका चंद्रमा फोर्थ एट्थ ट्वेल्थ एंड आपका चंद्र और गुरु सिद्धि की जाती है और आपको एक अच्छा सा जो रेडीमेड मुहूर्त होता है वो निकाल के दे दिया जाता है जी नहीं दोस्तों ट्रांज़िट बेस्ड मुहूर्त में बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है और जब उस समय शादी हो जाती है तो जितने भी दोष हैं इनमें से मैक्सिमम दोष खत्म हो जाते हैं लेकिन ये नहीं कि आपका ज़िंदगी में कभी भी झगड़ा नहीं होगा क्योंकि अगर वो कहावत भी है ना कि अगर दो बर्तन हैं तो वो खनकेंगे ज़रूर और अगर उस केस में जहाँ पर मान लीजिए कोई ऐसे कपल भी हैं जो कहते हैं कि उनके बीच में कभी भी कोई भी झगड़ा नहीं होता है बिल्कुल भी खटास नहीं होती है कभी भी मिसकम्युनिकेशन नहीं होता है तो मैं यही कहूँगा कि फिर तो दाल ही काली है वेल well, दोस्तों आज के लिए ये टॉपिक आप लोगों के लिए तो उन लोगों के लिए जिनके जो शादी करना चाहते हैं प्यार में हैं और वो भी शिद्दत वाला प्यार एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं किसी जोशी ने कहा है कि एक की आकाल मृत्यु हो जाएगी डरिए मत आप प्रॉपर वैदिक मैच मेकिंग करवाइए ट्रांज़िट बेस्ड मुहूर्त में शादी करवाइए कुछ नहीं होगा मैं ये दावा कर रहा हूँ मेरे एक्सपीरियंस से क्योंकि ऐसे मेरे पास बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पर बारह पंद्रह वर्ष हो चुके हैं उन लोगों को जिनके अच्छी फैमिलीज भी चल रही हैं संतान सुख भी प्राप्त हुआ है हेल्थ वेल्थ लग्जरी बिजनेस हर चीज़ में उन लोगों ने तरक्की की है आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए धन्यवाद भारत माता की जय